रैशनल बिना सोचे, मतलब रैशनल नहीं सोचना, लॉजिकल नहीं सोचना, और जैसा भावनाएं बह रही है वैसा सोचते जाना, उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये आज एक मैं आपको केस स्टडी से बताऊंगा। पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है, और वो केस स्टडी में आपको बताऊंगा कि हुआ क्या और उसे आप आपके लाइफ में कैसे बच सकते हैं या आप लोगों को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, बॉम्बे, यह हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ मनोरुग्ण तथा शराब के लत जिनको है उनका इलाज करते हैं, उनको दाखिल करते हैं। हम ऑनलाइन काउंसिलिंग भी करते रहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस जिसमें हम लोगों को साइकोथेरेपी मानसोपचार देते रहते हैं और लोगों के काफ़ी हद तक उनके प्रॉब्लम्स अच्छे हो जाते हैं। एक लड़की मेरे पास में लाई, उम्र करीब करीब 19-20 साल की थी, और वो अभी उसको उसके अंकल ने लाया, और वो इसलिए लाया कि अपने मन से बड़बड़ कर रही है, बातचीत कर रही है अपने से, खुद होकर बातचीत कर रही है, बीच में हंस रही है, अपने आंग के ऊपर पानी ले रही है, कपड़े हैं आंग पे तभी भी पानी ले रही है, कुछ खाना बराबर नहीं खा रही है, सो नहीं रही है, और कब से हुआ ऐसा? तो बोले 1 महीने से ऐसा हो रहा है। उन्हें काफ़ी सारे डॉक्टरों को बताया, फ़ायदा नहीं हुआ करके मेरे पास में वो लेके आए। मतलब हुआ क्या ये बताइए, ये शुरू कहाँ से हुआ? तो शुरू यहाँ से हुआ कि उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके मदर ने एक लड़के के साथ में पक्की कर दी। उसके मदर को, उसके माँ को लड़का अच्छा लगा और उसने वो लड़के के साथ में शादी पक्की कर दिया। एंगेजमेंट भी हुई, टीका भी हो गया, प्रोग्राम हुआ एंगेजमेंट का, और बाद में वो ये लड़की को ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। माँ ने ऐसा क्यों किया जब पूछा, तब वो अंकल ने मुझे बताया कि वो जो लड़का है जो अभी इसके साथ में शादी करने के लिए तय कर गई, मतलब उसके साथ में तय कर दिया है, वो लड़का, ये जो लड़की, इसके भाई के जैसा दिखता है। मतलब भैया, भाई के जैसा दिखता है तो क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, इसका भाई जो है वो 1 साल भर पहले मर गया। मतलब ये लड़की का भाई जब एक साल पहले मर गया, उसको कोई बीमारी आ गई तो उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में इसके माँ को, लड़की के माँ को बहुत बड़ा सदमा पहुँचा कि नहीं, मेरा लड़का चलेगा, इतना बड़ा 22-23 साल का लड़का चले गया, बहुत बड़ा उसको सदमा आ गया, और वो उसमें बहुत डिप्रेस हो गई, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, और वो बोल रही अभी मेरा लड़का चले गया, आपका ऐसा होगा कहना। तो बोले ठीक है। उसने क्या किया कि वो डिप्रेशन की अवस्था में, जब वो उसको सूझ नहीं रहा था, एकदम अचानक एक थोड़े दिन के बीमारी से वो निकल गया, तो उसने बोला कि नहीं, अभी मैं क्या करती हूँ कि जो अभी एक ही लड़की है, अभी वो लड़की की शादी कर देती हूँ, और मेरे लड़के जैसा कोई लड़का दिखता है तो पहले शादी कर दूँ, और वो लड़का अपने घर में लाऊँ, घर जमाई करेंगे, और घर जमाई करेंगे उसको घर में लाएंगे ताकि मुझे लड़का फिर से वापस मिल जाएगा। देखो क्या सोच है लोगों। उसको थोड़ा लड़के जैसा एक था, एक लड़का देखा उनके गांव में, बोले चलो यही लड़का है मेरे घर में, वो आ सकता है और उसको घर जमाई कर लेंगे। बहुत पीछे लग गए कि नहीं, उसको उसके साथ में शादी करना ही है करके, उनको ज़बरदस्ती, मतलब उनको जो भी चाहत है उनकी, वो उनको पूरी करके उसका एंगेजमेंट कर दिया। जैसे ही एंगेजमेंट कर दिया, लड़की बोले मेरे को तो करना ही नहीं शादी, ज़बरदस्ती कर रहे। तो ये अभी पागल जैसे उसका, मतलब लक्षण उसके दिखने लगे। अब पागल जैसे लक्षण दिखने लगे तो इसके पिताजी जो थे, लड़की के पिताजी, अभी वो बोले कि ये माँ मानती नहीं है इसको, नहीं मतलब ये लड़की को चाहत नहीं है वो लड़के के साथ में शादी करने की, पहले लड़का चले गया, अब ये लड़की पागल जैसी कर रही है, इसको शादी करनी नहीं है। माँ बोलती नहीं, शादी करना है क्योंकि मेरे को वो लड़का जवाई करके घर में लाने का है। इसके पिताजी को इतना टेंशन आ गया, बोले मुझे रहना ही नहीं। अभी वो पिछले 1 महीने से वो घर से गायब है, उसका आता पता नहीं है, वो कहाँ है मालूम नहीं है, उसने ना फ़ोन लेके गया, कुछ नहीं। बोले मुझे ये स्ट्रेस जो है ना वो सहन नहीं होता कि क्या चल रहा है, लड़की पागल जैसी कर रही है, लड़की की माँ डिप्रेस है, बोलती नहीं वो तो शादी उसके साथ में करने की है, शादी की तारीख निकालो, जल्दी शादी करो, लड़का तो चले गया है, उसका दुख तो है ही है। और अभी पिताजी, मतलब लड़की के पिताजी भी निकल गए, तभी घर में बचा कौन है? अभी पिताजी चले गए, मालूम नहीं आता पता, जीवित है कि मरा हुआ ये भी मालूम नहीं है। अभी लड़की है और उसकी माँ है घर में, अब ये दोनों को देखने वाला कोई नहीं। उसके अंकल ने ये लड़की को मेरे पास में लाया कि अभी इसका कुछ इलाज करो, ये लड़की अभी पागल जैसी कर रही है क्योंकि इसकी शादी वो लड़के के साथ में पक्की की, जिसके साथ में ये चाहत नहीं, इसकी चाहती नहीं। देखो, हम रैशनल थिंकिंग नहीं करते हैं, कोई सोच नहीं, विचार नहीं, लॉजिकल थिंकिंग नहीं, और कुछ तो भी करते रहते जैसा मन में आया वैसे, कुछ इमोशन में बह जाते हैं,
और इमोशन में बह के कुछ तो भी निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में लगता है कि ये निर्णय बराबर नहीं है। अब ये डिप्रेशन में वो निर्णय ले रही है, इसलिए मैं हरदम ये बोलता हूँ कि कोई भी निर्णय आपको लेना है तो भावनाओं में आके निर्णय मत लो। वो निर्णय बुद्धि का भी होना चाहिए और भावनाओं का भी निर्णय होना चाहिए। और भावनाओं से निर्णय लेने का नहीं है तो क्या करना है, जो भी निर्णय आप ले रहे हो थोड़ा रुको, थोड़े दिन जाने दो, भावना थोड़ी शांत होने दो। उद्रेक होगा, एक्साइटमेंट होगा, डिप्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगी, एपेथी होगी, कोई भी भावना हो सकती है, शक की भावना होगी, वो भावना शांत होने दो। कोई किसी को ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैंने कुछ तो भी नया बिजनेस चालू करना चाहिए, वो जाता है लोन लेता है, ये करेगा वो करेगा, मालूम कुछ भी नहीं धंधा चालू करेगा डुबा देगा, क्यों मालूम ही नहीं, कुछ भावनाओं में आके चालू कर दिया, भावनाओं में आके किसको हाँ बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया। तो कोई भी डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन लेना है लाइफ में, तो भावनाओं में आके वो काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। रैशनल थिंकिंग नहीं है और भावना भी ठीक नहीं है, मतलब रैशनल भी नहीं है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी आरईबीटी में क्या होता है कि आप रैशनल बात कर रहे हैं क्या, आपकी बात इमोशनल ठीक है क्या, दोनों भी देखना पड़ता है, रैशनल इमोटिव और उसका बिहेवियर के ऊपर असर क्या हो रहा है। तो अभी ये लड़के को मुझे पहले ठीक करना है कि भाई उसका साइकोसिस जो है वो ठीक करो, पागलपन है वो ठीक करो, उसके माँ को ठीक करो। जब ये ठीक हो जाएंगे उसको पता लगेगा उसका पिताजी कहाँ गया है, पता भी नहीं, वो वापस आएंगा तो फिर ये पूरी फैमिली ठीक ठाक हो सकती है, सेटल हो सकती है। अभी उनके भाग्य से उनके अंकल है कि जो अभी उसको लेके आया है वो वहाँ खड़े हैं कि नहीं, अपन ने उनका इलाज करना चाहिए ताकि उसका इलाज हो रहा है। मुझे आपको ये संदेश देना है केस के माध्यम से कि कोई भी निर्णय है सिर्फ इमोशन में आके निर्णय लेने का नहीं है, सिर्फ लॉजिक में आके निर्णय लेने का नहीं है, और कुछ दिन जाके सेटल होने के बाद में निर्णय आप लेते हो तो निर्णय वो सही हो सकता है। ये वीडियो काफ़ी लोगों को काम में आएगा। आप यदि ये वीडियो आपके ग्रुप्स के ऊपर शेयर करते हो, व्हाट्सएप के, फेसबुक के ग्रुप पर शेयर करते हो, काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इसका, क्योंकि लोग तो ऐसे ही बिहेव करते रहते हैं, कुछ तो भी करते रहते हैं और कुछ तो भी उसका बुरा असर हो जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकॉन आता है ना वहाँ क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।